लेकिन जिस दिन तेरे ऊपर आ जाएगी सबसे पहले इस्तीफा कोई देगा तो उसका हाथ। देश के सबसे बड़े सूबे में ओपी राजभर ही एक ऐसे नेता हैं जो कब किसको दम भर सुना दें कोई जान नहीं सकता। राजभर ये तक नहीं सोचते कि जिस दल को वो सुना रहे हैं उसी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। यही तो एक कला है राजभर के पास कि हड़का भी दिया और चुनावी रिश्ता भी बरकरार है। सुभाषपा चीफ का ऐसा ही एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि बेशक उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया है लेकिन अगर संकट आया और किसी पर भी आंच आई तो वो बीजेपी से भी इस्तीफा देने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, हम जो कहते हैं वही करते हैं। हम बेशक भाजपा से समझौता किए हैं लेकिन जिस दिन तेरे ऊपर आ जाएगी सबसे पहले इस्तीफा कोई देगा तो उसका। इतना ही नहीं, इसके आगे तो राजभर ने खुद को शेर तो अपने बेटे अरविंद राजभर को शेर का बच्चा बता दिया। अपने कार्यकर्ताओं से भी खुद को शेर कहलवाने लगे। साथ ही साथ राजभर ने चुनाव में अपने बेटे के सामने खड़े प्रतिद्वंदियों की औकात भी दिखा दी। इतने लोग लड़ रहे हैं किसी की औकात नहीं उसके सामने बात करने की। अपने बेटे और घोसी से एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर की तारीफ में सुभाषपा अध्यक्ष इतना बह गए कि कहने लगे उनके बेटे के पास इतनी हैसियत है कि वो बिना चुनाव जीते प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से बात कर सकता है। और वो आज के तारीख में मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बिना चुनाव जीते उनसे बात करने की हैसियत रखता है आज के तारीख में। चुनाव तो बात नहीं होगा और उनका बाप नहीं है ना। राजभर के हर एक बयान पर सुभाषपा कार्यकर्ताओं ने दिल खोलकर उनके समर्थन में नारे लगाए। बता दें कि घोसी लोकसभा क्षेत्र से ओपी राजभर अपने बेटे के पक्ष में दलित वोटरों को मनाने पहुंचे थे। बहरहाल वोटर राजभर से माने न माने लेकिन उनका बयान जरूर चर्चा में आ गया है।